और देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लोगों को महसूस होने लगा था कि सबका विकास सबका साथ का वादा अब यह सरकार अवश्य निभाएगी और पूरे प्रदेश का विकास होगा। लेकिन सरकार चाहे कितने भी प्रयास करते हुए नजर आ रही हो, लेकिन इस सरकार में भी भ्रष्टाचारियों की पोवारा है। यह किसी से छुपा नहीं है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है, तब से चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रधान हो या अन्य विभाग से जुड़ा कर्मचारी हो, इन सभी लोगों ने घोटाला कर उस पर पानी फेरने का काम किया है और इन घोटालों की शिकायत करने पर कोई भी जांच के बाद कार्यवाही अमल में नहीं आती हुई नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस सरकार में भी जांचें बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है। इसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के विकासखंड के ग्राम सभा बिरही सिंहपुर और तरोलिया में देखने को मिला है, जहां वर्तमान प्रधान संजू उर्फ संजीव कुमार यादव एवं ग्राम सभा तरोलिया की महिला प्रधान चंद्रकली ने पूर्व प्रधान के अलावा जिला पंचायत मंडी परिषद एवं जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत नाली गलियां खरंजा एवं सड़क आदि राष्ट्रीय ग्रामीण मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए विकास कार्य को अपने कार्यकाल में दर्शा लिया है। ऐसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया। यहाँ यह बता दें कि जिसकी शिकायत सबूतों के दस्तावेज प्रस्तुत कर समाज सेवी राजेश कुमार यादव मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी को कई बार दे चुके हैं, बावजूद इसके इनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर समाज सेवी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी, जिसकी जांच के लिए उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण कुमार वर्मा ने मैनपुरी जिला अधिकारी को जांच सौंपी थी, जिसकी अभी तक कोई भी कार्यवाही नजर में नहीं आई। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने विकास कार्यों के नाम पर घोटालों की जांच के लिए जिला अधिकारी को पुनः ज्ञापन दिया। इसके बाद भी यह बीरबल की खिचड़ी बनकर ठंडे बस्ते में रह गई। इसकी भनक जब मीडिया को मिली तो मीडिया कर्मियों ने गांव में पहुंचकर ग्राम प्रधान संजीव यादव एवं चंद्रकला द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर घोटाले की पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान प्रधान ने गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है। जो भी कार्य किया गया है वह पूर्व प्रधान और अन्य निधियों से 5 से 10 साल पूर्व कराया गया है। जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है तब से इन दोनों ग्राम सभाओं में कोई भी विकास कार्य के नाम पर पक्के काम की बात तो छोड़ो, कच्चा भी काम नहीं किया गया है। वहीं अगर शौचालयों की बात की जाए तो शौचालय भी उन्हीं लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। अगर बात प्रधानमंत्री आवास योजना की करें तो आज भी 80 लोग ऐसे हैं जो पात्र होते हुए भी कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिलाधिकारी ने इस मामले में डीपीआरओ एवं वीडियो के अलावा उनके सचिव को कई बार अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार किया है। बावजूद इसके अभी तक जिला विकास भवन में बैठे कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके चलते जांच आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आरोप है कि वीडियो डीडीओ एवं डीपीआरओ आदि ने घोटाला करने वाले प्रधानों से साठ गांठ करके मामले को रद्द कर दिया है। इस संबंध में जब मीडिया ने विकासखंड अधिकारी करहल राम प्रसाद से बात करनी चाही तो वह कैमरे के सामने बोलने से मुकर गए। रही बात विकास कार्यों की तो चलिए हम रूबरू करवाते हैं ग्रामीणों से कि ग्रामीण क्या कहते हैं। देखिए मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की है एक विशेष रिपोर्ट। हमारा नाम हरगोविंद है। हरगोविंद जी ये किस गांव के रहने वाले हो? हम ग्राम जयसिंहपुर के रहने वाले हैं और ये हमारा बिरसिंहपुर मौजा पड़ता है। इसमें प्रधान जी द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। स्कूल में न मिट्टी डलवाई गई, आप देख रहे हैं इसमें न तो कोई रंगाई पुताई हुई है, आंगनबाड़ी ये कच्छ बना हुआ है, इसमें न टाइल लगे हैं, कोई भी काम नहीं किया गया है। अच्छा गलियों की बात कर जो किया है तो गलियां कितनी बनवाई हैं? गलियों प्रधान जी ने तो कोई गली नहीं बनाई अभी तक, जो पहले बन चुकी थी उसी का प्रधान जी ने दोबारा पैसा निकाला। अच्छा किनके कार्यकाल में बनी थी वो गलियां, किनके द्वारा बनाई गई थी? ये ब्लॉक प्रमुख के द्वारा बनाई गई थी। वही गलियां हैं गांव? वही गलियां हैं, अभी तक पंचायत द्वारा बनाई गई थी और कोई भी गलियां नहीं बनी। लेकिन प्रधान का दावा है कि उन्होंने सारी गलियां और नालियां जो ना उन्होंने मरम्मत कराई हैं और बनवाई हैं। अब पता नहीं वो कैसे पैसा निकालते हैं, क्या करते हैं, वो ही जाने कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। क्या घोटाला किया है? बहुत बड़ा घोटाला किया गया। ठीक है। क्या नाम है आपका? कल्पना। किस गांव में रहने वाली हो? बिरसिंहपुर में। अच्छा क्या ये आप कच्चे आवास में रह रही हो, क्या कॉलोनी नहीं मिली थी आपको? मिली थी लेकिन हमारी कटवा दी गई। क्यों कटवा दी गई? मैंने ये कहते थे आपने मुझे वोट नहीं दी इसलिए कटवा दी। तो दूसरे को दे दी वो? हाँ। क्या पैसे मांग रहे थे? नहीं पैसे नहीं मांग।
पैसे नहीं मांगे, केवल वोट नहीं दिए तो कॉलोनी कट गई। हाँ तो वो आमने सामने बात नहीं की, ऊपरी मानी मतलब कह कह के इधर गांव वाले ने कह कह के कटवा दी, वोट नहीं दिए। हाँ ठीक है, इसी आवास में हम रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हमें आज 26 साल हो गए। 26 साल से ही? और अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं, ना लैट्रीन की, ना राशन कार्ड की, ना मतलब कॉलोनी की, कोई चीज की। अच्छा, और मेरे वोट भी कटवा दिए गए। अच्छा, और ये जो ना ये शौचालय जो दिया गया वो किसी ने बनवाया? शौचालय मिला था लेकिन गांव वालों ने कटवा दी, लेकिन हमें जबरदस्ती करके खाली ये रूम बनवाया, टैंक भी नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो ये टैंक भी नहीं बनवाया? कितना पैसा मिला था शौचालय का आपको? कुछ भी नहीं मिला, मुझे ईंटें मिली थी सिर्फ और सिर्फ इतने के लिए बस। राम अवतार थे तेज के नगरा के, उन पे मैंने गेट लिया, उनसे ही मैंने सीट ली बस। और ईंटें मतलब प्रधान की तरफ से कुछ नहीं था? नहीं, स्वयं बनाया ना। हाँ ठीक है। किस गाँव के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ का प्रधान कौन है? संजू यादव। क्या ये जो सीसी मार्ग है, क्या प्रधान के कार्यकाल में बनी थी या पहले बनी थी? पहले। अच्छा, कितने पहले बनी होंगी? अब हम 10-11 साल होंगे। 10-11 साल हो गई। तो जब ये पूरा मजरा जो है ना आपका जनेश्वर मिश्र में था तब बनी थी? लोहिया में। लोहिया में तभी की बनी हुई है ये? ठीक है। आज आपने जिलाधिकारी के यहाँ जो है ना एक ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला, क्या मामला क्या शिकायत की है? कि हमारी ग्राम पंचायत करौलिया और दर्शनपुर का मामला है, यहाँ पर प्रधान जी द्वारा जो कार्य अन्य विभागों जैसे आज या जिला पंचायत द्वारा कराए गए हैं या मंडी परिषद द्वारा कराए गए, जनेश्वर मिश्र में कराए गए, लोहिया में कराए गए, उन गाँवों उन कार्यों का पैसा माननीय प्रधान जी ने अपने पंचायत के द्वारा निकाल लिया। टोटल फर्जीवाड़ा है, 90% फर्जीवाड़ा मैंने टेकअप करके दिया है। इसकी सीडीओ महोदय जी ने 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, वो टीम ने आज तक कोई जांच नहीं की। जांच कमेटी पूरी तरीके से प्रधान जी महोदय से मिल चुकी है, मुझे उस टीम पर कोई भरोसा नहीं है। 6 महीने से मुझे घुमा रहे हैं, मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, लाखों पत्र दे चुका हूँ, मैं शासन प्रशासन को दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही नीचे पटल पर जा रहा है कोई कार्रवाई नहीं होती। बताते हैं कि आज जो है ना बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में और इसमें तत्काल कार्रवाई होती, क्या लगता है? मुझे लगा कि बीजेपी के सरकार में मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मैं शासन से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर के जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय, डीपीआरओ महोदय सर सभी से मिला, लेकिन मेरे कार्य पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो इसमें तो सरकारी धन का उन्होंने दुरुपयोग किया है और उसमें जो ना बंदरबांट किया है। बिल्कुल बंदरबांट किया, मैंने सूचना के तहत मैंने सूचना मांगी, मैंने राज्य सूचना आयोग को भी लिखा, सारी सूचना लिखने के बाद कितने लाख का घोटाला है? अरे सर, करोड़ों का घोटाला है। मुझसे सूचना मैंने मांगी, सूचना पे मुझसे 40,000 रुपए पंचायत सेक्रेटरी मांगे और पंचायत सेक्रेटरी से मैंने बात की तो पंचायत सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मेरा प्रधान दबंग है, गुंडा है, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, यदि कुछ करोगे तो तुमको वो मार देगा। कौन है प्रधान? प्रधान संजीव कुमार संजू और दूसरे महोदय की माँ प्रधान है, वो प्रधान ही फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। मेरा कहना जी ये है, ग्राम पंचायत तरौलिया के जो मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति है, वो हमारे मंडी समेत से रोड बनाई गई है, पीछे पेंटिंग कर दी गई है, आबादी पार्ट को छोड़ दिया गया है। जी। तो मेरी अवर अभियंता प्रदीप यादव जी से बात हुई टेलीफोन पे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया अगले माह उस पर काम लगा दिया जाएगा, आबादी भाग में मंडी द्वारा सीसी का कार्य कराया जाएगा, क्योंकि मंडी की रोड होने से उसमें इंटरफेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कोशिश भी की, उसके बाद संबंधित विभाग ने NOC जारी नहीं की। कराया गया है और फिर भी ना आपके आरोप पे आरोप लग रहे हैं, क्या पूछो? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और झूठे हैं, इसकी उच्च अधिकारियों से जांच हो चुकी है, और चाहे तो DM महोदय जी, CDO साहब, कमिश्नर साहब और उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवा लें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। किस गांव के रहने वाले भैया? शेखपुर गांव। अच्छा, आज यू यहाँ देखा है कि गलियां वगैरह सब सुरक्षित है, ये किसने बनवाई है? ये तो पहले ब्लॉक क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से बनी है ये तो। लेकिन गांव के प्रधान जो है ना आपके कहते हैं कि जो ना वो गलियां वगैरह जो भी जितनी भी है स्वच्छ के मतलब जो ना गाँव को रखने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं, क्या ये प्रधान जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? क्या नाम है प्रधान जी का? संजीव कुमार। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया? नहीं तो। अच्छा, कितने जनसंख्या है आपके गाँव की? जनसंख्या पूरे बिशनपुर की 933 जनसंख्या है वोटर के हिसाब से। लेकिन उन्होंने तो जो है ना बहुत रुपयों का कार्य कराया, कितने रुपए का घोटाला किया होगा उन्होंने? कम से कम 50 लाख तक।
50 लाख के मान के चलो। कितनी सड़कें आपके गांव में बनाई गई हैं इंटरलॉकिंग वाली? कम से कम 20-25 इंटरलॉकिंग सड़कें बनी है। हमारे हमारे शौचालय तक के रुपए निकाल लिए उन्होंने तो। कितने पैसे आए थे? 12,000 रुपए आते हैं शौचालय के, वो भी निकाल लिए। एक भी नहीं मिला? नहीं तो। अच्छा हाँ, तो वो कैसे निकाल लिए? क्या दिए नहीं थे आपको? क्या या खुद स्वयं बनवाई तो उन्होंने? सेक्रेटरी सेक्रेटरी सुनील सेक्रेटरी थे, उन्होंने निकाल दी। उन्होंने संबंध में दस्तखत नहीं करवाए थे आपसे? कुछ नहीं, कोई ऐसे निकाल दी डायरेक्ट। अम्मा का नाम है तुम्हारो? बिलासी। बिलासी देवी, कौन से गांव में रहती हो? का नाम है गांव को? अच्छा, तुझे बताओ ये सीसी मार्ग किसने बनवाया था? संतोष का। कब बनवाया था ये? जनेश्वर मिश्र के था। कब बनवाया था? कितने साल हो गए इसे बने हुए? 3-4 ये सीसी वही गांव में जब ही हुआ था। हाँ हाँ, हमारे लगवाने हर सब बनवाई थी। अच्छा अच्छा, तो संतोष यादव ने बनवाई थी। हाँ ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.